बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन विद इत्तेद। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। टेबल ऑफ कंटेंट। टुडे वी हैव टेबल ऑफ कंटेंट इन विच वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्लेम रेनेसांस, थीम्स इन अफ्रीकन लिटरेचर एंड द मेजर अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स। थीम्स में हमारे पास आ जाएगा रेसिज्म, आइडेंटिटी, ऑपरेशन, रेजिस्टेंस एंड फैमिली एंड कम्युनिटी। मेजर राइटर्स में हमारे पास हैं लिंगस्टन हाइथ, टोनी मॉरिसन, जेम्स बेल्डविन, एलिस वर्कर एंड अगस्त विल्सन। और भी बहुत से हैं लेकिन यहाँ पे मैंने बस चंद ही डिस्क्राइब किए हैं। सो व्हाट इज द हार्लेम रेनेसांस? पहले तो हम ये देखेंगे कि हार्लेम रेनेसांस है क्या। हार्लेम रेनेसांस ऐसा टाइम पीरियड है जो कि 1920s में स्टार्ट हुआ, जब ब्लैक कम्युनिटी ने न्यूयॉर्क के सिटी हार्लेम में अपना आप मनवाया और अपना आप सेलिब्रेट किया। अपनी आर्ट के थ्रू म्यूज़िक को भी इन्होंने सेलिब्रेट किया, अपनी राइटिंग को भी। और ये इनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वक्त था, इन्होंने जहाँ अपना टैलेंट शेयर किया, अपनी स्टोरीज शेयर की। इन्होंने इस सेलिब्रेशन है ना, हर बंदे को सपोर्ट किया कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, ब्लैक कम्युनिटी को, ब्लैक कल्चर को अप्रिशिएट कर सकें, उनको एक्सेप्ट कर सकें और उनकी हिस्ट्री को भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्या मिली, एक्सेप्टेंस मिली। आज भी इस चीज़ को याद किया जाता है और ये एक बहुत अहम और जॉयफुल टाइम पीरियड था ब्लैक कम्युनिटी के लिए। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द थीम्स इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, वी हैव रेसिज्म। रेसिज्म में क्या था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर हमें उसमें देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन को, प्रेजुडिस को, कैसे ब्लैक कम्युनिटी ने अपनी ही जंग में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, कैसे लोग उनको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं थे करते। और वो लोग जब खाना खाते थे ना तो उन लोगों को एक अलग जगह पे बिठा दिया जाता था, उनके लिए टोटली सब कुछ डिफरेंट था, ऐसे जैसे वो कोई बिल्कुल ही अलग महलूक हो और उनके साथ बैठना जैसे गुनाह के बराबर हो, इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। देन वी हैव अनदर थीम विच इज़ आइडेंटिटी, और इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। सो इसमें लोगों ने अपना आप हमें अपनी राइटिंग के थ्रू बताया कि वो लोग कौन थे, किस तरह से उन्होंने अपना आप मनवाया, अपने आप को डिस्कवर किया अफ्रीकन होने के बावजूद अमेरिका में, और इस चीज़ से उन्होंने कैसे जंग लड़ी कि वो लोग कौन हैं। और अगर वो काले हैं तो काला होना कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को मनवाया, ठीक है, तभी तो ये हार्लेम रेनेसांस को अब सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज़ के हवाले से। ऑपरेशन आ जाता है इसके अंदर नेक्स्ट थीम। अगर हम इनकी राइटिंग में देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इनकी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा वियर्ड और खौफनाक थी, कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल की, इतनी ज़्यादा इन लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ी कि एक तो ये गुलाम थे उस एरिया में, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में गुलाम थे, ऊपर से इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ को आता था कुछ को नहीं आता, फिर इन सब ने एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे को सपोर्ट किया और फिर ये लोग कहाँ तक निखर आए, ठीक है। अब अगर हम इनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं ना तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से इन्होंने जद्दोजहद की सिस्टमैटिक इनक्वालिटीज़ के अगेंस्ट और मिस ट्रीटमेंट, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि कैसे उन लोगों के साथ ट्रीट किया जाता था, उन्हें अलग बिठा दिया जाता था और उनको बिल्कुल एक ऐसी चीज़ समझा जाता था जैसे इनके साथ इन टच में रहना से ना गॉड जो है नाराज़ ही हो जाएगा। देन वी हैव रेजिस्टेंस। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में हमें डिटर्मिनेशन बहुत देखने को मिलती है, उन्होंने अपने जस्टिस के लिए जैसे लड़ाई की, इक्वालिटी को लेके आए और एम्पावरमेंट को जैसे वो लेके आए, एक बहुत ही अप्रिशिएटेबल चीज़ है ये। उन लोगों ने अपनी स्ट्रगल को जो था इस तरह से लड़ा, देखो उन्होंने एक दूसरे को सिखाया कि, और उसके बाद उन्होंने आपस में स्टोरीज़ को डिस्कस करना शुरू किया। अगर अब हम उनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं तो हमें हमारी नज़रों में वो इमेज क्रिएट हो जाती है कि किस तरह से उस वक्त वो लोग जंग लड़ रहे थे, कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा था। नेक्स्ट वी हैव द थीम फैमिली एंड कम्युनिटी। इट एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप, मतलब वो ब्रदरहुड को इस पर जोर डालते हैं अगर देखा जाए तो। कम्युनल बॉन्ड्स इन फेसिंग चैलेंजेस एंड सपोर्टिंग वन अनदर, यानी उन्होंने एक बंदा अगर जैसे मैंने ऊपर बात की कि उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाया, पढ़ाना शुरू किया, कुछ को पढ़ना आता था और कुछ को तो ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, जो फिर जिनको पढ़ना लिखना दोनों आते थे उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी जंग को इस तरह से लड़ा। अगर हम मेजर राइटर्स की बात करते हैं तो हमारे लिंगस्टन हाइथ जो कि 1902 में पैदा हुए, 1967 में इनकी डेथ हो गई। हम इनकी शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे, ये एक हार्लेम रेनेसांस के पोइट थे, प्लेराइट थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे, और ये सबसे ज़्यादा की फिगर हैं कल्चरल आर्टिस्टिक मूवमेंट के जो कि हार्लेम रेनेसांस की थी। पीछे हमने डिस्कस किया था 1920s की जो मूवमेंट थी। इनका जो राइटिंग स्टाइल था ना वो रिदमिक था, म्यूजिकल क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं, ठीक है, और ये वर्नैकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते थे। इन्होंने एवरीडे लाइफ को क्या किया था, अपनी राइटिंग में एक्सप्लोर करवाया था, ब्लैक पीपल के बारे में लिख रहे थे क्योंकि खुद भी तो ब्लैक थे,
और जो इनका राइटिंग थीम था जिसके ऊपर ये लिखते थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ने जो एक्सपीरियंस किया था बेसिकली उसी चीज़ को एड्रेस करता है, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, आइडेंटिटी के बारे में बात की जाती है और अमेरिकन ड्रीम के बारे में, कि उन्हें जैसे ये अमेरिका स्टेट जो है आज़ाद है ना, उसी तरह से अफ्रीकन अमेरिकन को भी आज़ादी देनी चाहिए, वो भी आज़ाद होने चाहिए। टोनी मॉरिसन विच इज़ लुकिंग सो प्रिटी, लेकिन अब तो ये ऊपर जा चुकी हैं। सो टोनी मॉरिसन जो कि 1931 में पैदा हुए और 2019 में इनकी डेथ हो गई। अगर हम इनकी बायोग्राफी की तरफ जाएं जनाब, तो हम इनको शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। टोनी मॉरिसन जो थी एक अवार्ड विनिंग अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, ये एसिस्ट भी हैं, इन्होंने ऐसे भी लिखा है, और ये सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तौर पे जानी जाती हैं वो अपने नॉवल्स की वजह से जानी जाती हैं। राइटिंग स्टाइल ऑफ मॉरिसन्स इज़ कैरेक्टराइज बाय द लिरिकल प्रोज, वो लिरिकल प्रोज स्टाइल में लिखती थी जो कि सिम्बोलिज्म से भरपूर थे एंड इंट्रिकेट नैरेटिव्स। उसके बाद शी एम्प्लॉयड मैजिकल रियलिज्म, यानी कि उनकी राइटिंग में हमें रियलिज्म भी देखने को मिलता था और हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट भी उनके वर्क में हमें देखने को मिलता था। अब जो इनका थीम था राइटिंग का, उनके नॉवल्स में जो थीम पाया जाता था वो रेस था, आइडेंटिटी थी, ट्रॉमा था और लेगेसी ऑफ स्लेवरी था, जो कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि किस तरह से अमेरिका में उनके बुरे हालात चल रहे थे, विद द फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक वुमेन। उसके बाद इनकी राइटिंग में हमें ब्लैक वुमेन भी देखने को मिलती है कि किस तरह से अफ्रीकन वुमेन को बुरे वक्त का सामना था और कैसे उन लोगों ने अपनी स्ट्रगल करी। देन वी हैव जेम्स बाल्डविन जो कि 1924 में पैदा हुए, 1987 में इनकी डेथ होगी, हम इनको भी शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। जेम्स बाल्डविन एक जो थे प्रोमिनेंट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थे, ये भी एसिस्ट थे। उसके बाद ये जाने जाते थे इनकी पावरफुल इंसाइट की वजह से, जो कि रेस पर लिखते थे, ये सेक्सुअलिटी पर लिखते थे, सोशल इशू के बारे में ये बात करना पसंद करते थे। अब जो इनका राइटिंग स्टाइल था ना, वो एलोक्वेंट था, थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल था, यानी कि पढ़कर बंदे को वो चीज़ जो थी ना वो उसकी जहन को उजागर करती थी, उसकी सोच को जो था ना वो एक ताकत देती थी कि वो जाग जाए और इसके बारे में सोचे, इसके बारे में उसको बात करनी चाहिए। इनकी जो राइटिंग है हमें इसके अंदर इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है सोशल कमेंट्री के साथ। इनकी जो थीम ऑफ राइटिंग है वो बेल्डविन्स का जो वर्क है ना, वो कम्प्लेक्सिटीज जो कि रेशियल आइडेंटिटी में देखी गई उसके बारे में बात करता है, और जो इन लोगों ने स्ट्रगल की अपने राइट्स के लिए उसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि इनकी राइटिंग में उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, और जो इंटरसेक्शन था रेस के और सेक्सुअलिटी के दरमियान, तो उसके बारे में भी इन्होंने बहुत बात की। देन वी हैव एलिस वॉकर जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, हम इनको शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। एलिस वॉकर जो थी ना, उन्होंने एज ए अमेरिकन ऑथर इनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, इनको पोइट जाना जाता है और ये एक्टिविस्ट भी हैं। अब ये जो थी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी, और ये फेमिनिस्ट लिटरेचर को इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन तो थी लेकिन इन्होंने फेमिनिस्ट लिटरेचर को एक्सप्लोर किया, यानी इन्होंने फीमेल के बारे में ज़्यादा बात की। राइटिंग स्टाइल अगर हम इनका देखते हैं जी, तो वर्कर्स ने ना पोइटिक और एवोकेटिव लैंग्वेज यूज़ की। इसके अंदर हमें जो थीम्स देखने को मिलती हैं वो स्पिरिचुअलिटी की है, फोकलोर है, और उन्होंने इसको नरेटिव स्टाइल में लिखा है। देन वी हैव द थीम्स ऑफ राइटिंग, जो इन्होंने अपना वर्क लिखा है उसके अंदर थीम डेफिनेटली ये सब ही, चूँकि एक बहुत भयानक चीज़ का एक्सपीरियंस करके आगे आए थे, तो इन लोगों ने उन्हीं चीज़ों को लिखा है जो बेसिक थीम था ना, वो इनकी स्ट्रगल थी, इनका होप था फ्रीडम की तरफ, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, अपनी पहचान, अपनी जो किनशिप है, इन चीज़ों पर ही मोस्टली लिखा गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फेमिनिज्म के बारे में भी बात की, फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात की, एंड रिजिलियंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के बारे में बात की, विच इज़ कॉमन, सब राइटर्स ने और पोइट्स ने इसी के बारे में बात करी है। अगस्त विल्सन जो कि 1945 में पैदा हुए और 2005 में डेथ हुई इनकी, अब इनको भी हम शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। अगस्त विल्सन जो थे ना, वो एक इन्फ्लुएंशियल अफ्रीकन अमेरिकन प्ले राइट थे, जो कि जाने जाते थे इस वजह से कि वो ब्लैक लाइफ को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट करते थे अपने लिटरेचर में, जो कि ब्लैक लाइफ यानी ब्लैक कम्युनिटी ने जो ज़िंदगी गुजारी अमेरिका में। इनका राइटिंग स्टाइल जो था ना, वो क्या था कि ऑथेंटिक डायलॉग्स यूज़ करते थे, डीप कनेक्शन था उसका अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर और उसकी हिस्ट्री के साथ। अगर हम इनकी थीम्स के बारे में बात करते हैं तो ये प्रीडोमिनेंटली लिखते थे अपनी स्ट्रगल्स पर, और ब्लैक इंडिविजुअल के बारे में बात करते थे 20th सेंचुरी की।
उसमें भी जो थीम्स पाई जाती थी वो आइडेंटिटी थी, कम्युनिटी थी, लेगेसी ऑफ सेलिब्रिटी थी, यानी थ्रू आउट सब ने गुलामी का ही जिक्र किया, गुलामी से आज़ादी का ही जिक्र किया, यानी अपने राइट्स के बारे में बात की कि हमें भी वो राइट्स चाहिए, वी डिजर्व टू लिव अ गुड लाइफ. Thank you so much for watching this video. Please stay tuned for the next video. And if you have any question, please feel free to mail me at given address arhammalik384@gmail.com. And if you want to contact with me through Facebook, then you can search Itra Rasool. Please do subscribe if you are new to my channel.